बॉलीवुड में लव, ब्रेकअप, अफेयर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में आपने ना जाने कितनी कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे बॉलीवुड की कुछ अनोखी कहानियां। जी हाँ, अफेयर ब्रेकअप बॉलीवुड का फेमस किस्सा है, लेकिन माँ बनना वो भी शादी से पहले कुछ अनोखा ही किस्सा देखने को मिलता है। शादी और बच्चा हर औरत का सपना होता है, जहाँ शादी के बाद हनीमून, हनीमून के बाद बच्चे, लेकिन बॉलीवुड है तो बात कुछ अलग ही होगी। बॉलीवुड में हनीमून पहला, फिर बच्चा। जी हाँ, एक्ट्रेस अपना नाम बनाने में कई साल मेहनत करती है। जी जान मेहनत के बाद सफलता का फल मिल ही जाता है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा कर देती है जिसके बाद उनकी तारीफें बदनामी में बदल जाती है। और ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है, चलिए आपको बताते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसी एक नहीं बल्कि कई एक्ट्रेसेस है जो शादी के पहले ही माँ बन गई थी, और इस लिस्ट में सबसे पहले आती है श्रीदेवी। जी हाँ, बॉलीवुड की ये चल बाग गर्ल शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई थी। श्रीदेवी की नजदीकिया फिल्म रूप की रानी, चोरों का राजा की शूटिंग के वक्त हुई। तभी श्रीदेवी का अफेयर बोनी कपूर के साथ चल रहा था। जब श्रीदेवी की प्रेगनेंसी की खबर सामने आई थी, तब बोनी कपूर शादीशुदा थे। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी मोना कपूर से तलाक लेकर 1996 में श्रीदेवी से शादी की। शादी के कुछ ही महीनों बाद श्रीदेवी ने अपनी बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर को जन्म दिया। इसके बाद इस लिस्ट में आती है सेन शर्मा। आर्ट सिनेमा का जाना माना चेहरा यानी कि कोंकणा सेन शर्मा भी आजा नाचले के अपने को स्टार रह चुके एक्टर रणवीर शोरी से एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद ही उन्होंने अपने बेटे राहुल को जन्म दिया। आपको बता दे, सेन शर्मा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए दोनों ने जल्दबाजी में शादी की अनाउंसमेंट कर दी। अब इस लिस्ट में आ गई एक्ट्रेस माहिमा चौधरी। बॉलीवुड में एक सुपरस्टार के साथ कदम रखने वाली माहिमा चौधरी आज भले ही लाइमलाइट से दूर हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब इनका कंट्रोवर्सी का एक रिश्ता सा बन गया था। कभी सुभाष घाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से कोर्ट में जाना पड़ा, तो कभी काले धन के मामले में। लेकिन हद तो तब हो गई जब माहिमा ने प्राइवेट सेरेमनी में अपने बॉयफ्रेंड बॉबी मुखर्जी से शादी कर ली और किसी को कानो कान खबर तक होने नहीं दी। आपको बता दे, माहिमा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हुई थी, इसलिए माहिमा ने जल्दबाजी में शादी की और अब माहिमा और बॉबी एक दूसरे से अलग है। इस लिस्ट में नीना गुप्ता का नाम भी शुमार है। बधाई हो से फैंस के दिलों पर राज करने वाली नीना भी एक समय अपने प्रेगनेंसी की खबरों को लेकर सुर्खियों में थी। नीना गुप्ता और क्रिकेटर विविन रिजदास के अफेयर की खबरें बॉलीवुड की गलियारों में मशहूर थी। शादी से पहले नीना की प्रेगनेंसी की खबर ने सभी का होश उड़ा दिया था। एक दूसरे के साथ प्यार में इस कदर डूब गए कि वे भूल गए कि विवान शादीशुदा है, और इसी अफेयर के दौरान नीना प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन विविन नीना से शादी नहीं कर पाए और नीना ने अकेले ही अपनी बेटी मसाबा की परवरिश की। अब आ गई सारिका। सारिका 80 की दशक की लोकप्रिय एक्ट्रेस में से एक है। श्रुति हसन की मां सारिका शादी से पहले ही मां बन गई थी। साउथ स्टार कमल हसन और सारिका की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी, और इसके बाद कमल अपनी बीवी वाणी से तलाक लेने के बाद सारिका के साथ रहने लगे थे। कुछ समय बाद ही सारिका के प्रेग्नेंट होने की बात सामने आई। इस लिस्ट में मलाइका अरोड़ा की बहन अमृता अरोड़ा का नाम भी शामिल है। फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के बाद भी अमृता की किस्मत का सिक्का नहीं चल पाया। फिल्मों से ज्यादा अमृता की प्रेगनेंसी की खबरों ने खींचा हर किसी का ध्यान। अमृता अरोड़ा ने अपने बॉयफ्रेंड शकील लड़क से 2009 में शादी की थी। शादी के तुरंत बाद अमृता की प्रेगनेंसी की खबरों ने जोर पकड़ ली। फिर क्या, जल्दबाजी में अमृता ने भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली। अब आ गई वो एक्ट्रेस जिसके बारे में शायद हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था, और वो है नेहा धूपिया। जी हाँ, नेहा भी शादी से पहले माँ बन गई।
नेहा ने अपने बॉयफ्रेंड अंगद बेदी से 2018 में गुपचुप शादी की थी। शादी के बाद नेहा का सडनली प्रेगनेंसी का न्यूज आने लगा। फिर क्या, नेहा की प्रेगनेंसी से पता ही चला कि नेहा शादी से पहले ही माँ बन चुकी है, इसलिए नेहा ने भी जल्दबाजी में फटफट शादी कर ली। इस लिस्ट में अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड ग्रेब्रेलिया भी शामिल है। ग्रेब्रेलिया साउथ अफ्रीका की सबसे फेमस मॉडल है। ग्रेब्रेलिया भी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। ग्रेब्रेलिया ने 18 जुलाई को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। अब इस लिस्ट में आ गए बॉलीवुड और साउथ की एक्ट्रेस एमी जैक्सन। एमी भी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। एमी अपने बॉयफ्रेंड जॉर्ज के साथ रिलेशनशिप को लेकर खबरों में थी, तो वही शादी से पहले बेटे को जन्म देने के बाद एमी सुर्खियों में आ गई। अब इस लिस्ट में आ गई आखिरी एक्ट्रेस और वो है कल्कि कोचलिन। कल्कि निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप की पूर्व पत्नी है। अनुराग कश्यप से तलाक के बाद कल्कि गाय हर्षवर्ग को डेट कर रही थी और अब कल्कि गाय हर्षवर्ग के बच्चे की मां बन गई है। कल्कि ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। अब इस लिस्ट में और कौन सी एक्ट्रेस का नाम होता है शामिल, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल देखिए शादी से पहले ये सभी एक्ट्रेस कैसी बन गई थी माँ और कितने प्यारे बच्चे को ये सब एक्ट्रेसेस ने दिया है जन्म।